इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग की छापेमारी पर 72 घंटे की रोक लगा दी गई है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में हो रहे जीएसटी विभाग की छापेमारी पर फिलहाल लगाम कस दी गई है। योगी सरकार ने अगले 72 घंटे तक के लिए जीएसटी विभाग की छापेमारी को रोकने का आदेश दिया है। जीएसटी विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश बढ़ चुका है। तमाम जिलों में व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे। व्यापारियों का आरोप था कि जीएसटी विभाग की अधिकारी उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में चल रहे छापेमारी जैसे कि गोरखपुर, औरई, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा, कानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, ललितपुर समेत लगभग सभी जिलों में जीएसटी की टीम पिछले एक हफ्ते से छापेमारी कर रही थी। बताते चले कि हालत ये है कि जीएसटी टीम के रेट के अफवाह से पूरे मार्केट में धड़ाधड़ सटे गिरा दी जाती थी। बाजार में कुछ ही पल में सन्नाटा छा जाता था। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से प्रदेश स्तर पर जीएसटी विभाग के छापेमारी जारी थे। इस छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। लिहाजा व्यापारियों ने बाजारों को बंद रखना उचित समझा। व्यापारियों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस छापेमारी से निजात पाने के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुपंदर जैन ने रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी व्यापारी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ये व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुपंदर जैन ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने दुकानों को खोले, दुकान बंद करके भागे नहीं और डट कर मुकाबला करें। देखिए खास रिपोर्ट।